हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ वैलोरेंट के कुछ टॉक्सिक लोगों से। अभी ये गेम खेला था मैंने, ठीक है मैं मानता हूँ मैं नूब हूँ, मेरे से नहीं खेला जा रहा। और सबसे कमाल की बात है ये जो गेम था वो अनरेटेड का था, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जीत गया। ऑब्वियसली मेरी टीम ने मुझे कैरी किया था, मेरे बहुत ही ज्यादा कम किल्स थे, कुछ खास नहीं। और स्कोरबोर्ड पे चलते हैं। तो पहले जनाब है ये योर मॉम, जो भी नाम है बिल्कुल वाहियात। और एक ये कोई है एनिमे के चोदे NCR जेनित्सु, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और अब आइए चैट पे चलते हैं। तो ऊपर स्क्रोल करता हूँ, एक मिनट। टॉक्सिक मैं भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से हुआ टॉक्सिसिटी की शुरुआत। अपने NCR जेनित्सु कहते हैं AFK बेस, मतलब उनकी टीम से कोई AFK हो गया था। फिर वो कहते हैं करो आसानी से, मतलब उनको लगा कि गेम से एक बंदा चला गया तो वो हार जाएंगे, खुद पे ही भरोसा नहीं है। अब उसको गाली दे दी, वाह। फिर आते हैं ये पता नहीं किसको कहा है, किसी को तो कह रहे थे। और हाँ, जैसा कि आपको देख सकते हैं फिनिक्स मैं हूँ, मेरा नाम इग्नोर करो बट जो भी है पांडुनंगा। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने किया रन एंड गन, ठीक है मान लेता हूँ मेरा लेवल 2 है, छोटे लेवल का हूँ इस आईडी से। और वैसे भी अगर जिसका एम अच्छा होता है रन एंड गन से कोई कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। और ये वो बंदा है रन एंड गन जो मेरे सामने ऑप लेके आया था और उस समय मरा नहीं, आयरन ठीक है सब कुछ प्लास्टिक हुआ। और इनके जरा KDA देखे भाई साहब, 5 किल 12 बार लुल, वाह, 0 assist, टैग भी नहीं किया किसी को। और कमाल की बात यह है जो 5 किल इस बंदे के हैं वो कैंपिंग के थ्रू लिए गए हैं, मतलब ये किसी कोने में बैठ जा रहा था, मेरे टीम वाले रश कर रहे थे, ये फुट सुन के मार दे रहा था, उस पर ये बहुत कूदा। फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, अब मैं चूतिया तो हूँ नहीं कि इधर से कोई गालियाँ दे और मैं मुस्कुराऊँ, ना ही मैं गांधी जी हूँ कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूँ। और ये बंदा ये चीज़ 2 साल से बोल रहा है, इसको ये नहीं पता ये मैं 5-6 साल से बोल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं डाउन टू अर्थ, मैं ज़्यादा नहीं कहता। इनको ये लाइन वापस चाहिए थी, शायद इसका कोई किंक था कि इसको गालियाँ सुनने में मज़ा आता है तो ये दूसरों को गालियाँ देते ताकि इसको डबल गालियाँ पड़े। भाई ऐसे लोग हो देश में तो फिर देश का विकास होगा कैसे। फिर ठीक है भाई, मैंने कहा अनरेटेड भी इतना टॉक्सिक, योर मॉम ठीक है भाई, 15 किल हैं, लग गए गलती से, क्लोज रेंज में मार दिया, रश कर दिया अचानक से, पीछे से मार दिया, हो गए 15 किल गलती से। तो उस पर ये चौड़ा हो रहा था कि पापा से ऐसे नहीं बोलते, और मैं फिर टॉक्सिक हो गया था। अब ये आ गए ब्रो, ये अपने दिखाने लगे स्लम से हो क्या ये वो, अचानक यू नो ऑलमाइटी बन गए, बहुत ज़्यादा बड़े लोग बन गए ये लोग, जैसे इन्होंने कभी गाली ना दी हो। अरे भाई फिर ठीक है भाई, रन एंड गन कर रहा हूँ ठीक है, एम की बात ही छोड़ दे, वाह। ये अपने टीम वाले, हाँ मतलब इसका टीम वाला कह रहे तो ये भाई ठीक है हाई क्लास का है। और लिटरली ये बंदा 0 किल पे ऑप लेके आया था। भाई नूब्स की ना मुझे ये सबसे तगड़ी बात लगती है, वो डिफेंडिंग में रश कर देंगे, अटैकिंग में कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, 0 किल पे ऑप लेके आ जाएंगे, उनसे ना फैंटम चल रहे ना वैंडल चल रहे, वो ऑप करेंगे भाई, वाह। फिर ये बंदा जोश में आ गया कि ये मुझे मारेगा। फिर गेम चलता रहा और मैं शायद उसको मारता रहा, ये भाई अपना हाई क्लास बंदा छी छू करता रहा, कोई बात नहीं। और फिर मैं आ गया क्योंकि मैं इनको और भी सुना सकता था, बट फिर ठीक है थोड़ा मैं गेम खेलने आता हूँ वैलोरेंट में, टॉक्सिक होने नहीं आता हूँ, सिंपल है। और फिर ये ऐसी बातें चलती रही,
मैं भी थोड़ा बनने की कोशिश की, शायद बन नहीं पाया, ये मुझे गरीब कह दिया, इसको पता नहीं, मैं इसके खानदान को खरीद लूंगा, मेरे पास इतना पैसा है। वो मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बट आई एम श्योर, और जो मुझे जानते हैं दे नो दैट आई बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। अब भाई अंग्रेजी इतनी ख़राब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, ये वाओ लॉल लॉल कोई सेंस नहीं भाई। हाँ तो उस समय इस राउंड में मेरे किल्स चल रहे थे इससे कम, मतलब मैं 4-4 पे था और मैं 9-5 पे एंड हुआ हूँ, और ये उस समय 5-5 पे था। अभी नीचे आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट मिनट। सो ये देख लो, ये ऐसी चल रही है, शान बिठवा रहे हैं मुझे, चुप होने को कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी टीम बहुत अच्छी थी, तो जो ये मेरी टीम है उनको थैंक यू, उन्होंने कैरी किया, बहुत अच्छे से जिताया। और फिर नीचे मैंने वो बात करी भी है, तेरी बस की बात नहीं है मेरे ओपी टीम से जीतना, ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत अच्छा खेली थी टीम, मज़ा आ गया टीम वालों के साथ खेल के, भले ही ओपोनेंट टॉक्सिक हो गई। और फिर वो हारने लगे भाई, लिटरली हारने लगे, उनसे एक राउंड नहीं जीता गया, या अराउंड शायद कुछ स्कोर चल रहा था, मतलब उनकी 3 विक्ट्री है तो स्कोर आगे चल रहा था 5-2 कुछ ऐसा था, और वो हारने लगे, कुछ हो ही नहीं रहा था उनसे। और लेट्स सी, उस बंदे के थे 5 किल उस राउंड पर, और ये है शायद शायद वो लोग अटैक कर रहे थे उस समय, उस बंदे की थी 5 किल और मैं था 4 किल पे, वो ये भी कहते 4 किल बाय द वे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि उस राउंड के बाद से बेचारे वो 5 किल पे अटका रह गया, उससे आगे बढ़ा ही नहीं, और मेरे हो गए 9 किल। वाह डिफरेंस, या वो शायद फ्यूचर की बात कर रहा होगा, डिफरेंस। फिर ऑब्वियसली बात है यार, ज़्यादा टॉक्सिक होने का फ़ायदा नहीं था, मैं उनके मज़े लेने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम जीत रहे थे, टीम वाले मुझे अच्छा कैरी कर रहे थे, और वो फिर अब भाई शर्म आ गई उसको, नहीं हो पा रहा उससे भी, XD हंस रहा है अपने नाकामयाबी पर। और ये चैट्स लास्ट राउंड की थी, हाँ लास्ट राउंड वो गलती से जीत गए आई थिंक, हमारा डिफेंडिंग का लास्ट राउंड था, तो नूब्स वाओ कमाल के लोग हैं यार। और ये अटैकिंग राउंड शुरू हुआ था, तो ये वहाँ की चैट है, उनके टीम वाले कैमरा भी नहीं देख रहे, और मैं वो हारते रह गए उसके बाद से, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, और ये मैं आखिरी में ज़्यादा बन गया। गेम शूट कौन है, साइफर बहुत अच्छा खेला था, सही बोला उसने। अब आते हैं टाइम लाइन पे, सॉरी परफॉर्मेंस पे, जो बंदा ऑप लेके आ रहा था भाई, एक बार भी मुझे नहीं मार पाया, 4 किल्स योर मॉम, जो ज़्यादा बन रहा था, मुझे दो, मुझे एक बार मरो मैं उससे बस। इंटरेस्टिंग, और जिसको वो गाली दे रहे थे 2 किल भाई लिटरली पहली बार इससे मारो, ओ एक बार तो हेड शॉट भी पड़े उसको, 2 हेड शॉट पड़े, नाइस। ओ भाई ये वाला राउंड था, ऑफ वाला जब वो खेल रहा था, मैंने रन एंड गन कर दिया, 17 मीटर्स पे नहीं मार पाया मुझे ऑफ से, वो बुरा हुआ बेचारे के साथ, बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं तो यही है। और फिर और देखते हैं, योर मॉम, अरे क्या बात है, योर मॉम को तो मैंने हेडशॉट मारे, और वो कह रहे रन एंड गन, वाओ ठीक है भाई, स्पेक्टर से तो रन एंड गन कर ही सकते हैं भाई, तुम भी कर लो, तुम वेंडल से कुछ नहीं कर पाए, एक बार उसने मुझे मार दिया, और इस वाले राउंड में काफी ज्यादा क्लोज रेंज पे था वो, कोई बात नहीं, उसकी गलती से रिकॉइल से हेडशॉट लगे, उसकी बस की नहीं थी इसमें असिस्ट है नॉइस, इसमें शायद असिस्ट है, इसमें किले, वो गोली नहीं चला पाया बेचारा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रैना हुई, जो AFK हुई थी, वो फिर भी इन लोगों से तो बहुत बेटर खेल रही थी, ओमिन उनका नूब था, मुझे फिनिक्स ने 2 बार मारा, फिनिक्स काफ़ी अच्छा खेल रहा था, बट शायद ये फिनिक्स के साथ अपने वॉइस पे टॉक्सिक हो गए होंगे, तो फिनिक्स AFK चला गया था, गेम छोड़ के चला गया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्या उखाड़ लिया इन्होंने टॉक्सिक हो के, नहीं शायद ये कूल बन गए, 2-4 गालियाँ बोल दी,
कि सामने वाला थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए, खेल ना पाए। अबे भाई, गाली बोलनी है तो अपने को बोल लो। ऐसे इनके पिताजी के सामने इनकी मुंह नहीं खुलता होगा। और यहाँ चैट पे आके, ये नहीं कि बोल भी रहे हैं, चैट पे आके ऐसे बन रहे जैसे पता ही नहीं क्या हो। ठीक है गाइस, मुझे इनकी टॉक्सिसिटी दिखानी थी। और मतलब यार, अनरेटेड में टॉक्सिक होने का कोई सेंस नहीं है। मेरा लेवल 7 और जो भी है भाई, मुझे कोई सेंस नहीं लगता कि मैं अनरेटेड में तुम टॉक्सिक हो रहे हो। मेरे हिसाब से अनरेटेड में तुम अपनी एम प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई नया एजेंट प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई नई गन चलाना सीख सकते हो। और उसमें ओपोनेंट आके ऐसा बोले, इनफैक्ट वो तो अपने टीम के साथ ही टॉक्सिक हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से इनसे बड़े चूतिए लोग और कोई है भी नहीं। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो और तुम वैलो खेलते हो, अगर तुम टॉक्सिक होते हो, इनफैक्ट मैं भी टॉक्सिक होता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट एक लिमिट में हुआ करो। क्या पता उस बंदे को उस दिन एम से नहीं हो, चलो ठीक है, उसको नहीं खेलना चाहिए। क्या पता वो एम सही करने के लिए अनरेटेड खेल रहा हो और तुम ऐसे ही टॉक्सिक हो जाओ, गालियाँ बकने लगो। कोई सेंस है उस बात की? तुमको टॉक्सिक होने कॉम्पी खेलो, इतना सीरियस खेलना है तो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा टॉक्सिक हो, उसको रिपोर्ट करो, उसकी आईडी हर जगह फैला दो और उसकी आईडी बैन ही करवा दो भाई। क्योंकि यार, मान लो कोई बंदा अनरेटेड ऐसे फन के लिए खेलना है, तुम उसका मूड अलग खराब कर दोगे। बंदा चिल करने आया था, तुमने उसको और एंग्जाइटी स्ट्रेस में डाल दिया, तो भाई कोई सेंस नहीं इस बात की। और अगर तो फिर मैं यही कहूँगा कि कम से कम अनरेटेड में भाई टॉक्सिक ना हो। कोई टॉक्सिक हो रहे उसको रिपोर्ट कर दो। तुमसे कोई पंगे ले रहा है, तुम्हारी गांड में कोई घुस रहा है, तो उसकी गांड फाड़ दो, सिंपल सी बात है। इसी के साथ गाइस, बाय बाय।